नफरत ना करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलू तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों आपसे ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भी आज की गेम प्ले को ना डुओ वर्सेस स्क्वाड समझो। वैसे तो आपको भी दिख रहा होगा कि भाई चार बंदे हैं हम, लेकिन भाई डुओ वर्सेस स्क्वाड समझो, क्योंकि भाई हम जो है जोर-जोर में जब आने के लिए हमने मार्क लगाया तो भाई मेरे साथ जो है सिर्फ दो नंबर ही तैयार हुआ भाई यहाँ पर आने के लिए। बाकी भाई तीन नंबर और चार नंबर की ऐसी तैसी होगी जैसे हमारी होती थी भाई पहले जोर-जोर में आने के लिए। तो अब वो नहीं आए भाई जोर-जोर में, पता नहीं भाई कहाँ धक्के खाए उन्होंने और कहाँ किससे मरे भाई वो हमें नहीं पता। तो भाई हम जो है यहाँ पर उतरे थे और भाई अब एक बंदा था जिसके पास गन नहीं थी, और भाई कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता जो मैं इसके साथ करूँगा भाई। तो और दो नंबर की भाई एक खास बात बताऊँ आपको, अभी बता दूँ या बाद में बताऊँ भाई। तो दो नंबर भाई जैसे खेल रहा था ना, मुझे पता लग गया था कि भाई ये बंदा अच्छा है, लेकिन भाई बाद में एक बात और पता चली कि भाई ये लड़का नहीं, ये लड़की थी भाई, और इसकी केडी मेरे से भी ज़्यादा थी भाई। आपको बताऊंगा भाई, वीडियो देखते रहना। और भाई आज एक कंटेनर पे दो दो गन, मतलब स्कारल और AKM भाई, जब जोर-जोर में किसी को ऐसे गन मिले ना और इतनी एमओ वगैरह हो तो भाई ऐसी एमओ और गन दो दो भाई जोर-जोर में किसी किस्मत वाले को भी मिलती है भाई। अब हम आज जो किस्मत वाले थे तो तुम्हारा भाई अब यहाँ पर जो है पहले बंदे देखता और आगे की तरफ बंदे थे, और भाई दो नंबर मुझे लग नहीं रहा था उस टाइम, नहीं पता था कि भाई ऐसा बंदा है, मतलब वैसे लड़की है भाई, लेकिन मुझे तो लास्ट में पता चला था भाई जब मैंने इसकी DP देखी, DP मतलब DP डिस्प्ले पिक्चर। तो भाई पहले तो दो बंदे आगे थे भाई, अब पहले तो उनको टपकाते हैं। तो भी जब मैंने इसकी DP देखी भाई, प्रोफाइल फोटो देखी भाई, बाद में उसकी KD देखी, मैं हैरान हो गया था। मतलब यार बंदा, मतलब ये जो भी था भाई अब ठीक था यार, मुझे नहीं पता था कि मतलब लड़की है। इसके इसने माइक भी ऑफ किया हुआ था, मैंने वैसे ही सोचा कि कीवी नाम होगा। अभी एक बंदा आ गया था पहले, अब उसको टपका था भाई। तो भाई इसके पास से ना मुझे इतनी एमो मिली यार कि बिल्कुल मजा आ गया यार। 5 की एमो कभी कभी भाई हम धक्के खाने से नहीं मिलती। अब देखो तो मैं अब खुल के यहाँ पर इसलिए खेल रहा था भाई क्योंकि मुझे पता लग गया था कि दो नंबर ठीक है भाई, अब अच्छे से खेल पाएंगे हम। ये नहीं कि भाई पीछे मैं नोक हुआ तो दो नंबर भी उसी टाइम में, तो अब यहाँ पर सब खत्म हो गए थे लेकिन एक बंदा बचा था। तो ये जब तक भाई इतनी देर से मतलब ये कहाँ पर था मुझे नहीं पता, अभी इसको भी टपका दे, और इसको टपकाने के बाद मुझे एक बोट की ओर आवाज़ आई भाई। तो इस बोट को तो भाई कुछ गलती जंग गोलियां लगी भाई। अब जो भी है भाई 5 कैमो लिया हुआ था, और भाई आज 5 कैमो उठा कर ना बिल्कुल पागल हो गया था मैं। तो भाई हम जो दोनों जो है यहाँ से निकल जाते हैं, और दो नंबर भाई ड्राइवर थे हमारे। तो अब जाते निकलते बंदे ढूंढते हैं, मारते हैं बंदे और तुम्हारे लिए भाई कोई वीडियो रिकॉर्ड करता। तो भाई हम जो है घूमते घूमते आ गए भाई रज्जोक में। भी यहाँ पर जो बंदे लग रहे थे लेकिन थे नहीं भाई, लेकिन बाद में आ गए थे। तो भाई दो बंदे यहाँ पर मैंने मारे, और दो बंदे भाई दो नंबर ने मार दिए, और भाई आगे एक बंदा दिखा तो मैं उसके पीछे लग लिया। और भाई ये जो दो नंबर थे ना भाई ये भी पीछे पीछे आ गए, इसे भी जो है किल चाहिए थे। तो जो तुम्हारा भाई सबसे पहले ऊपर ही चला जाता है क्योंकि भाई ऐसे नौटंकी करने में ना मुझे किल नहीं मिलेगा। अब ये दो नंबर ही ले जाती भाई। तो यहाँ पर भाई तुम्हारा भाई बच गया, नहीं तो ये भाई मारे बिना नहीं छोड़ता भाई। अभी इसकी पेटी लूटने के बाद भाई इसके जो टीम वाले थे भाई वो वहाँ पर थे भाई ऊपर, अब पहले उसको देखेंगे। लेकिन जब मैं जाने लग रहा था ना तो एक यहाँ पर भाई बहुत अच्छा ड्राइवर आता है, अब उसकी देखो क्या बजाता हूँ मैं। नहीं ये मजाक हो रहा आ गया भाई, मजाक हो रहा आ गया। और भाई दो नंबर भी जो है इसको मारने लग रहा था, लेकिन मारने लग रही थी लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने पहले ठोक दिया इसको। अब देखो भाई अब ऊपर वालों की बैंड बजाते हैं, लेकिन भाई ऊपर वाले सारे किल ना दो नंबर ले जाएगी। तो
तो एक को भाई नॉक कर दिया था और भाई दो नंबर भी पीछे पीछे थे। और भाई कसम से आज मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई कोई अच्छा रैंडम आया और वो भी लड़की थी भाई, मतलब इतना अच्छा खेल रही थी भाई। मैं तो ये सोचता था कि भाई लड़की अच्छा नहीं खेलती, नहीं मतलब बुरा मत मानियो, लेकिन फिर भी भाई केडी इसकी बताओ कितनी थी भाई, 4.30 की केडी थी और अच्छे मैच खेल हुए थे, तो भाई अच्छा खेल रही थी भाई सच में। तो मैंने नेट फेंका भाई, वो जायरो की वजह से भाई नीचे आ गया, अब बंदे बच गए भाई। तो भाई पहले जो बोट आया था भाई उसको भी यही ले गया, और जो मैंने रिवाइव नोक किया था भाई अब वो रिवाइव हो गया होगा, और भाई उसके पास जब नेट गया तो फिर से भाई नोक हो गया, तो मतलब सारे के सारे किल दो नंबर ले गई। अब भाई हम यहाँ से जाने लग रहे थे भाई डासिया लेकर, और अब क्या हुआ भाई वो देखना भाई, एक टिकटॉक वाला मिलेगा भाई हमें। पीछे मुझे दिखा कि भाई बंदा है पीछे, और इस बंदे ने क्या ही किया भाई, मतलब मजा आ गया। अब टिकटॉक वालों को तो भाई देखो टिकटॉक तो हो गई, अब बंदा उनके पास टाइम नहीं, तो भाई वो जो है पबजी खेल रहे, और भाई जो उनको टिकटॉक पर देखते थे भाई वो वही कर रहे हैं भाई पबजी के अंदर। देखना भाई हमने यहाँ पर डासिया रोक दिया, और मुझे बंदा दिख गया था भाई कि यहाँ पर बंदा, मैंने इसको बोला कि यहाँ पर, मैंने दिख गया था भाई, इसलिए मैं मार्क पे मार्क कर रहा था, और मैं हम जो बंदे को ढूंढने लग जाते हैं भाई, हम भी यहाँ पर जो बंदा नहीं मिलता, बाद में पता चलता है कि भाई वो जो टिकटॉक वाला था भाई, अब वो टिकटॉक वीडियो बनाने का तो भाई अब उनको कोई जरूरत भी नहीं है भाई, टाइम भी नहीं मिलता होगा जो भी है भाई, अब वो पबजी के अंदर आ गया भाई। तो बच के रहा करो भाई, अब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो भाई सावधान रहे, सख्त रहे, और जो भी अभी जो आगे बोलते भाई मुझे नहीं पता, पूरा याद नहीं है भाई। तो अब हम जो भाई घूमते घूमते आ गए भाई यहाँ पर स्क्वाड हाउस में घुस जाते हैं, कहीं भाई वो कैंपिंग नहीं कर रहा हो, लेकिन नहीं भाई अभी तक हमें पता नहीं था कि वो टिकटॉक का बंदा। तो भाई टिकटॉक वाले ने तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी भाई बिल्कुल। अब हम ऊपर गए डर डर के, कहीं भाई किसी का खोपरा ना फोड़ दे, लेकिन नहीं भाई वो तो टिकटॉक वाला था ना यार, अब वो टिकटॉक वाला था तो भाई टिकटॉक वाली हरकत करेगा, देखो। Impressive. तो भाई इस भाई साहब ने जो है टिकटॉक पर वीडियो देखी होगी कि भाई ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, अपने कदम पीछे रख लो, तो भाई इसने भी रख लिए भाई। अब हमारी डासिया थी मतलब मस्त थी, पेट्रोल वगैरह डाल के रखा था, और उठाई और भाग गया भाई। अब इतनी बेइज्जती फील हो रही थी ना कि भाई आज ही हमारे साथ किसी ने क्या कर दिया भाई। तो भाई अब होगा भाई, ये कोई पहली बार नहीं हुआ भाई, अभी अब ये होता रहेगा, बात तो डाल लो भाई। और दो नंबर जो है यहाँ पर नाचने लग रही थी भाई, ये हो क्या गया भाई, स्कैम हो गया, आज पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम कहीं रस करने और भाई साहब हमारी डासिया लेकर उड़ गया। तो भाई अब जो दो नंबर के पास स्नाइपर थे उसने देख लिया था कि बंदा कहां पर जाके रुका, अब हम भाई उसका पीछा करते करते, क्योंकि भाई हमें चाहिए थे अपनी डासिया, हम अपनी डासिया ऐसे चोरी नहीं होने देंगे। तो बंदा आगे था और तुम्हारा भाई हवा में आके बिल्कुल मतलब उड़ने लग जाता है यहां से कि भाई मैं तो जाऊंगा एक स्मोक करके, लेकिन भाई वो ऊपर वाला बंदा भी ठीक था, अब उसने मुझे इतना डैमेज दिया ना, लेकिन भाई दो नंबर की स्नाइपिंग को सल्यूट है यार, मजा आ गया। तो वाह बहन क्या मजा, मतलब क्या ही मारा इसको, बिल्कुल मजा आ गया। तो भाई आज तो ना बिल्कुल खुश हो गया था कि भाई गेम खराब होने से बच गया, नहीं तो भाई ऐसे ऐसे रैंडम भी आते हैं कि भाग जाते हैं भाई छोड़कर ऐसे ही। तो जो भी अब अपनी डासिया उठाई और निकल दिए भाई, और देखो भाई ड्राइवर जो बनेगा ना उसको किल्स कम मिलेंगे। तो भाई इसलिए कोशिश किया करो भाई ड्राइवर किसी और को बना दिया करो। तो भाई मैं कभी भी ड्राइविंग नहीं करता, आपने देखा होगा भाई गेम प्ले में बहुत कम करता हूँ। तो घूमते घूमते फिर से हमें बंदे मिल जाते हैं, यहाँ पर देखो भाई क्या होगा। Marked a location. तो अब की बार तो भाई दो नंबर पहले ही जंप कर गई थी कि भाई मुझे तो किल चाहिए। तो अभी इनको टपकाने के बाद भाई हम जो है यहाँ पर बंदे ढूंढते ढूंढते और भाई ढूंढते ढूंढते भाई यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बंदे थे भाई, पूरी स्क्वाड थी, अब हमारी ऐसी की तैसी करके रख देगी, लेकिन दो नंबर की स्नाइपिंग भाई सल्यूट है भाई, बोला तो था।
तो भाई सच बताओ ना, बुरा मत मानियो, लेकिन मैं पहली बार मतलब अपने साथ मतलब कोई ऐसी लड़की खेल रही है जो कितनी इतना अच्छा खेलती है भाई। नहीं तो मैं जब भी किसी लड़की के साथ खेला हूँ ना, तो उसकी यही केडी थी, 1 की 2 की 0.9 की। तो भाई बुरा मत मानियो, लेकिन हाँ लड़की अच्छा खेलते, लेकिन मेरे साथ कभी मतलब कोई ऐसा नहीं खेली। तो आज ये पहली बार रैंडम प्लेयर मिली थी जो कितना अच्छा खेल रही थी। और बाद में देखा यार मैं, क्योंकि देखता हूँ जो बंदा अच्छा खेलता है ना, एक बार चेक करता हूँ कि मतलब क्या ही इसकी केडी वगैरह थी क्या था। तो अच्छा था भाई, और भाग्य बंदा था भाई। अब देखो तो ये लास्ट ही बंदा बचा हुआ था भाई, और 2 नंबर सोच रहा था कि भाई अब जो इसे AWM से ही मारेंगे, लेकिन भाई अब की बार जो है नहीं काम आई भाई उसकी स्नाइपिंग। होता भाई कभी कभी, अब मेरा भी जो भी 3x का स्प्रे कितना घटिया चल रहा था यहाँ पर, लेकिन फिर भी भाई अब जो भी था डैमेज उसको जो है पड़ गया था, और वो भाई 2 नंबर को ही मारने में लगा था, और तुम्हारे भाई ने यहाँ पर जो है डिनर निकाल लिया। तो बच गए भाई, गेम प्ले बहुत ही मस्त गया भाई, किल बहुत ही मस्त तरीके से गए, और डुओ वर्सेस स्क्वाड ही हुआ भाई, 2 बंदे तो हमारे गायब हो गए थे। तो मजा आया भाई, अगर आपको भी मजा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक ठोक देना, और अगर आप चैनल पे नए हो भाई अभी तक तो नए क्यों हो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।